गोरखपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पहले चरण में 15 अप्रैल को ही संपन्न हो गया था। मतदान के बाद मतपेटियों को 20 ब्लॉकों के स्ट्रांग रूम में निर्धारित किए गए मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखवा दिया गया। चुनाव की मतगणना 2 मई को कराई जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने 8,000 कर्मचारियों को मतगणना कार्य के लिए ड्यूटी लगाया है। मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग बुधवार 28 अप्रैल को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 3 शिफ्ट में कराया जाएगा। इस संबंध में मतगणना के नोडल अधिकारी एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 4,700 बूथ पर पोलिंग हुई थी। उनकी मतपेटियों को 20 ब्लॉकों के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इसकी मतगणना के लिए हम लोग प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए 4 टेबल लगाए हैं, जिसमें 8,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। सभी कर्मचारियों को ड्यूटी ऑर्डर सर्व करा दिया गया है। मतगणना स्थल पर आने वाले सभी एजेंट के लिए जिलाधिकारी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपना एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे, तभी उनको मतगणना केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नोडल अधिकारी एवं एडीएम वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 मई को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतगणना सुनिश्चित की गई है। हमारे जनपद में लगभग 4700 बूथ थे, उनकी मतपेटिकाएँ 20 ब्लॉक के स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। इसकी मतगणना के लिए प्रति न्याय पंचायत हम लोग 4 टेबल लगा रहे हैं, जिसमें लगभग 8,000 कर्मचारियों की आवश्यकता है। सभी कर्मचारियों को ड्यूटी ऑर्डर सर्व करा दिया गया है और दिनांक 28 अप्रैल से जो स्थानीय हमारा प्रेक्षागृह है, उसमें प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होगा। मेरा अनुरोध है कि सभी जो भी एजेंट वहां मतगणना के समय आएंगे, उनके लिए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि वो अपना एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आएंगे, तभी उनको मतगणना केंद्र में इंटर के दिया जाएगा। धन्यवाद। ये ट्रेनिंग लगातार 3 दिन 3 शिफ्टों में चलेगी और सभी से अनुरोध है कि सभी मास्क अवश्य धारण करें और हम लोग वहाँ पर सुरक्षित ढंग से ट्रेनिंग कराएंगे। जी जी, एजेंट्स के लिए कोरोना टेस्ट की बाध्यता है कि वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करा लें, जिससे संक्रमण फैलने की गुंजाइश कम से कम रहे।